नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी को लेकर कुछ अपडेट आप सभी ITI स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, राजस्थान के समस्त ITI के विद्यार्थी जो है टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पिछले मंथ यानी कि जुलाई के लास्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि अगस्त में जो है आप लोगों तक अपडेट मिली होगी कि अगस्त में जो है टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बट दोस्तों, अभी जो है आज की डेट में दोस्तों आप सभी को पता है आज है 19 अगस्त 2021, तो 19 अगस्त 2021 तक तो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। और जस्ट अभी 18 अगस्त को आप लोगों ने कल ही जो है एक न्यूज़ सुनी होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से एक न्यूज़ देखी होगी कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त लास्ट तक जारी नहीं होगा। कारण है दोस्तों उसका कि अभी जो है आप सभी को पता होगा राजस्थान में पंचायती राज के जो पंचायत समितियां हैं उनके इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसको लेकर जो है राजस्थान में वर्तमान समय में आचार संहिता लगी हुई है। तो आचार संहिता के कारण जो है गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी हम इस भर्ती का, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। ये आचार संहिता दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आचार संहिता लागू रहेगी लगभग 7 सितंबर तक, ठीक है, 7 सितंबर 2021 तक आचार संहिता लागू रहेगी। इसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से यह आश्वासन मिला है, अपना जो ऊर्जा विभाग है उसकी तरफ से यह आश्वासन मिला है कि इसके बाद में जो है आप लोगों का जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वैकेंसी शायद जहां तक है आ जाएगी। और वैसे दोस्तों ये रियल चीज है, वैकेंसी तो 100% आएगी, आज नहीं तो कल, बट वैकेंसी को आना ही आना है, ठीक है। लगभग सुनने में आ रहा है दोस्तों कि लगभग 1512 पदों पे जो है ये वैकेंसी आ रही है, लगभग 1500 के आसपास इसमें पद है। और इसका जो नोटिफिकेशन है 7 सितंबर के बाद में कभी भी जारी होने की संभावना है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब लगना चाह रहे हैं, जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि अपनी जो तैयारी है उसकी स्पीड को थोड़ा सा और ज्यादा तेज कर दें, ताकि आप लोग सही समय पे जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ और सही समय पे जो है अपने सिलेबस का पुनः जो है एक बार फिर से रिवीजन कर पाओ। तो देखो, गवर्नमेंट की वैकेंसी है, मैं तो सभी ITI स्टूडेंट्स जो भी टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है एक तरीके से, और सरकारी नौकरी के लिए हमें जो है सरकार के ऊपर निर्भर रहना होता ही है। अब जब भी सरकार की इच्छा होगी तब वो नोटिफिकेशन देगी, जब वैकेंसी जारी करेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट के अंदर लगने के इच्छुक है, जिनके अंदर डेडिकेशन है, समर्पण है, पढ़ाई करने का जज्बा है, जिनका टारगेट है गवर्नमेंट में जाने का, वो जो है बिल्कुल पूर्ण ईमानदारी और मेहनत के साथ जो है तैयारी करते रहें। जरूरी नहीं है दोस्तों यही वैकेंसी आए, हो सकता है इसके अलावा और कोई वैकेंसी भी आप लोगों को जो है, जैसे DMRC में जो है सुनने में आ रहा है कि दिसंबर जनवरी तक जो है DMRC के अंदर भी वैकेंसी आएगी, UPPCL में वैकेंसी आएगी और अन्य डिपार्टमेंट भी वैकेंसीज आती रहती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मेनली मैं टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी है उसी को लेकर ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है जितनी मेरे पास थी वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि और कोई टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी होगी तो उसको भी जो है जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे आप लोगों तक पहुंचाने की। तो इसी प्रकार की टेक्निकल ITI से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई भी जॉब अपडेट हो, वो लगातार प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो इस YouTube चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर आए उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।